जीतने वालों को मेरा सलाम। वे सबसे महान फुटबॉलर हैं या नहीं, इस पर तो डिबेट चलता ही रहेगा, लेकिन उनके वर्क एथिक की कहानियां प्लेयर्स, कोचेस और टीम मेंबर्स सबसे सुनने मिलती हैं। मेरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वर्क एथिक पर ध्यान तब गया जब एक इंटरव्यू में विराट कोहली कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग और शेड्यूल तो ट्रेनर प्लान करता है, फिर भी मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से इंस्पिरेशन लेता हूँ। मैंने सुना है कि मैसी जीनियस है, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से रोनाल्डो एक कदम आगे रहते हैं। 2003 और 4 सीजन के दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड के असिस्टेंट मैनेजर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने ऑफिस बुलाया। देखो, बहुत सीधी बात है, केवल एक अच्छा प्लेयर होना काफ़ी नहीं है, ऊपर वाले ने तुमको टैलेंट और मौका दिया है दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनने का। अगर तुम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरा पूरा सपोर्ट होगा। अगर तुम एक एवरेज प्रोफेशनल प्लेयर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ दूसरे प्लेयर्स जैसा ही व्यवहार करूंगा। क्विरो कहते हैं कि मैं जानता था कि रोनाल्डो का जवाब क्या होगा। बहुत कम यंग प्लेयर्स के अंदर टैलेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और पर्पस एक साथ मौजूद होता है। क्विरो कहते हैं कि एक दिन देर शाम को मैंने अपनी ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा। मुझे लगा कि मीडिया या दूसरे क्लब वाले जासूसी कर रहे हैं। मैंने सिक्योरिटी बुलाई तो पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों में अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। जब रोनाल्डो के टीममेट्स प्रैक्टिस के बाद शावर लेने चले जाते थे, तब बिल्डिंग के पीछे ऊबड़ खाबड़ पेड़ों से भरे मैदान में रोनाल्डो अकेले प्रैक्टिस किया करते। वे उस जंगली मैदान में बॉल को जोर से किक करते और ऊबड़ खाबड़ मैदान में बॉल के पीछे दौड़ते, जिससे वे अनिश्चित बाउंस में ड्रिबलिंग और बॉडी बैलेंस की प्रैक्टिस कर सकें। क्विरो कहते हैं कि रोनाल्डो का जवाब शब्दों में नहीं था। वे मैनचेस्टर यूनाइटेड में लगातार अपना गेम इम्प्रूव करते रहे और 15 साल बाद आज भी रोनाल्डो और बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। एलीट मेंटालिटी। हम लोग वर्क एथिक के पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि वर्क एथिक शुरू होता है हमारे माइंडसेट, हमारे बिलीफ सिस्टम से। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हमारा सेल्फ बिलीफ है, वही हमारे काम में दिखता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिमाग में बैठा हुआ है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे एथलीट्स में से एक हैं। इसलिए 33 साल के होने पर भी वो अभी भी अपने शरीर को 20 साल का बनाए हुए हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनकी नई टीम हुवेंटस की। उनके शरीर में 7% बॉडी फैट, 50% मसल मास है। क्रिस्टियानो फीफा वर्ल्ड कप के सबसे तेज भागने वाले एथलीट हैं। रोनाल्डो के पुराने कोच मोरी कहते हैं, रोनाल्डो कोई मौका नहीं चूकते। चैंपियंस लीग का मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात को 2 बजे शहर वापस लौटे, तो बाकी लोगों की तरह घर जाने की बजाय टीम के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं और वहां अकेले 1 घंटा वर्कआउट करते हैं और क्रायोथेरेपी लेते हैं। वर्क एथिक का मतलब जुनूनी होकर रात में वर्कआउट करना नहीं है, बल्कि जब भी मौका मिले, जब भी जरूरत पड़े, एक कदम ज्यादा करने की कोशिश है। हम इसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एलीट मेंटेलिटी कह सकते हैं। जोवानी मोरी कहते हैं कि उनके वर्कआउट में हमेशा इंटेंसिटी, डेडिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता है। नो शॉर्टकट्स। हुवेंटस के मिडफील्डर ब्ले मतुई कहते हैं कि हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनके ही मैदान ओल्ड ट्रैफर्ड में कठिन गेम जीता। पूरी टीम बहुत थकी थी, हम लोग सब छुट्टी पर थे, लेकिन रोनाल्डो हमेशा की तरह ट्रेन कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप थके नहीं, आपको रिकवरी की जरूरत नहीं है? तो वो कहते हैं कि मैं रात भर से रिकवरी ले रहा था, अब ट्रेनिंग कर रहा हूँ। रोनाल्डो होने की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है। इस कोट से फिर रोनाल्डो के बिलीफ सिस्टम की झलक मिलती है। उनके अपने लिए इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं कि उसे मेंटेन करने के लिए उन्हें उस हद तक तैयारी करनी पड़ती है, नहीं तो वे कभी भी अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसा वर्क एथिक बनाने में लंबा समय लगता है। जब रोनाल्डो पोर्चुगल से मैनचेस्टर यूनाइटेड आए, तो क्विंटन फॉर्चून टीम के साथ खेल रहे थे। वे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये प्लेयर सबसे बेहतर करने के लिए जुनूनी है। वो अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को लेकर बहुत डिसिप्लिन था। मैंने कुछ और टैलेंटेड प्लेयर्स देखे हैं, शायद क्रिस्टियानो से ज़्यादा, लेकिन हर किसी में इतना मेहनत करने की इच्छा नहीं होती। शूटिंग, ड्रिबलिंग, स्टेप ओवर्स, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, एंड्योरेंस और हर ट्रेनिंग के हर सेशन में
रोनाल्डो हर किसी से ज्यादा कर रहे होते हैं। 15 साल से हर दिन हर सेशन में वो ऐसा करते आ रहे हैं, इसलिए मुझे उनकी प्रोग्रेस देखकर आश्चर्य नहीं होता और अभी तो उन्हें और आगे जाना है। सेल्फ बिलीफ, उनके अंदर गजब का आत्मविश्वास है, एक तरह का नार्सिसिज्म है। वो उस यंग एज में स्टार्स से भरी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में भी जाकर सोच सकता था आई एम द बेस्ट, और 15 सालों से यही सोचकर खेल रहा है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में वर्क एथिक की डेफिनेशन देख चुके हैं। वर्क एथिक का मतलब ये नहीं कि आप पूरे समय काम करते रहो, या रात को 2 बजे उठकर वर्कआउट करो, या फिर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में डिबेट करते रहो। ये आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपके काम में दिखता है, और ये बिलीफ सिस्टम टैलेंट से नहीं बल्कि साल दर साल की मेहनत और कमिटमेंट से बनता है। रोनाल्डो के बारे में जितना समझा उस हिसाब से उनके बिलीफ सिस्टम में 2 चीज़ें समझ में आती हैं। पहला, वो जानते हैं कि वो एक एलीट लेवल के प्लेयर बन चुके हैं, इसलिए उनका ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस भी उसी तरह की होगी। मतलब अगर आप जानते हो, अगर आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप एक स्पोर्ट्स कार हो, तो आप अपने आप को वैसा ही मेंटेन करोगे, वैसा ही तेल डालोगे और वैसा ही परफॉर्म करोगे। दूसरा, वो जानते हैं कि जब तक वो बेस्ट नहीं होंगे तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। वो कभी भी अपने टैलेंट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, ना कभी कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाइड महसूस कर पाएंगे, इसलिए वो हमेशा अपने गेम और शरीर को बेहतर करना चाहते हैं। अगर ये दोनों बातें उनके बिलीफ सिस्टम में ना होती तो फुटबॉल जैसे कॉम्पिटिटिव और पैसे वाले खेल में, जहां हर साल इतने टैलेंटेड प्लेयर्स आते हैं, केवल क्रिस्टियानो के वर्क एथिक की बात नहीं हो रही होती। अगर आप और मैं भी चैंपियंस जैसा वर्क एथिक बनाना चाहते हैं, तो छोटे छोटे एक्शन लेकर अपना बिलीफ सिस्टम बनाइए, अपना वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो 12 रूल्स ऑफ लाइफ के इंटरेस्टिंग और बहुत काम आने वाले रूल्स देखिए, और हाँ, चैनल जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।